नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में लेकर आए हैं पौराणिक कथा की श्रृंखला में पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है एक बालक के ध्रुव तारा बनने की कथा। ये कथा है उस बालक की जिसने कई वर्षों तक रात दिन कठोर तपस्या की और फिर भगवान की प्राप्ति कर अमरता को प्राप्त किया। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। जाने कौन थे मनु और शत्रुपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और शत्रुपा संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष थे जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। मनु को स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा जी के पुत्र के तौर पर भी जाना जाता है। मनु और शत्रुपा के विवाह से दोनों को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। उन दोनों के बड़े होने पर प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री भैष्मती के साथ हुआ और वही दूसरी ओर उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि के साथ हुआ था। मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत को ब्रह्मश्री से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और वही दूसरी ओर उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। बालक ध्रुव के जन्म की पौराणिक कथा। राजा उत्तानपाद अपनी प्रथम रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे लेकिन कई वर्षों तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई। इसलिए राजा ने अपनी प्रथम रानी सुनीति के समझाने पर सुरुचि नामक कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। जब राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि महल में आकर उनकी प्रथम रानी के बारे में पता चला तब उन्होंने राजा से पहली पत्नी को महल से निकाल देने के लिए कहा जिसका राजा ने विरोध किया। पर यह सुनकर उनकी पहली रानी सुनीति ने खुद ही राजमहल त्याग कर वन में रहने का फैसला किया। कुछ समय पश्चात राजा उत्तानपाद जब शिकार के लिए वन में जाते हैं और वहां गंभीर रूप से घायल और अचेत हो जाते हैं। जब ये बात रानी सुनीति को पता चली तो वह जाकर जंगल में राजा उत्तानपाद को अपनी कुटिया में ले आई और उनका उपचार करने लगी। घायल अवस्था के कारण राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी सुनीति के साथ ही रहे। उस दौरान उनकी रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है और उन्हें पुत्र रत्नन के रूप में बालक ध्रुव की प्राप्ति होती है। बालक ध्रुव के साथ उसकी सौतेली माता सुरुचि द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कथा। बालक ध्रुव के पैदा होने के बाद भी राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति ने उन्हें इस संबंध में बहुत समय तक कुछ नहीं बताया। लेकिन जब राजा उत्तानपाद को इस बात का पता चला तब उन्होंने रानी सुनीति से महल चलने का आग्रह किया जो उन्होंने ठुकरा दिया। वो ध्रुव को कभी कभी महल भेजा करती थी लेकिन रानी सुरुचि को ध्रुव से बहुत घृणा थी। एक दिन रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे खेल रहा था तभी रानी सुरुचि वहां आई और पहुंची और बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका मन ईर्ष्या से जल उठा और पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने फौरन झपट कर बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठा दिया और बालक ध्रुव से कहा कि तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार पर बेचारे मात्र 5 वर्ष के अबोध बालक ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चले जाते हैं और महल से अपनी माँ सुनीति के पास आ जाते हैं। अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बालक ध्रुव को माता सुनीति द्वारा भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने से जुड़ी कथा। महल में अपनी सौतेली माँ सुरुचि द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर बालक ध्रुव महल छोड़कर अपनी माता रानी सुनीति के पास आश्रम वापस आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ हुई सारी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। इसके बाद उनकी माता जी उनको समझाती है कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो नहीं तो ऐसा करने से तुम्हारी ही हानि होगी। उनकी माता जी ने ही उन्हें समझाया कि अगर वह अपने पिता की गोद में सम्मान से बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करें। वो जगत के पिता और पालनहार हैं उनको अपना सहारा बनाओ।
माँ की वो बातें बालक ध्रुव के मन को छू गई और वो सभी मोह त्याग कर भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। बालक ध्रुव को ऋषि नारद मुनि द्वारा मंत्र देने से जुड़ी कथा। जब बालक ध्रुव अपनी माता द्वारा समझाने पर भगवान की तपस्या करने के लिए घर से निकले, तब वो यमुना तट पर स्नान के लिए रुकते हैं। तब वहाँ उनकी भेंट ऋषि नारद मुनि से होती है, जो उस बालक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आखिरकार एक बालक के संकल्प के आगे ऋषि नारद मुनि हार जाते हैं और उन्हें ऋषि नारद मुनि भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र ध्रुव को दीक्षा के रूप में देते हैं। बालक ध्रुव द्वारा भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने से जुड़ी कथा। इसके बाद बालक ध्रुव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रात दिन कई महीनों तक कभी जल में तो कभी एक उंगली पर खड़े हो रहकर ऋषि नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं। तपस्या करते हुए बालक ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल कभी भी विचलित नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा और भगवान विष्णु का वैकुंठ भी बालक ध्रुव द्वारा लगातार किए जा रहे मंत्रोच्चारण से गूंजने लगा, जिसके कारण भगवान विष्णु भी अपनी योग निद्रा से उठ गए। बालक ध्रुव को भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान की कथा। जब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा त्याग कर बालक ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देखा, तो वो उस बालक के तपस्या से नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और उस अबोध बालक को दर्शन देते हुए बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वे लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है। इस लोक का नाम तुम्हारे नाम पर ही होगा, अर्थात ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। तुम इस लोक में 36,000 वर्ष तक शासित करोगे और तुम ऐसे ऐश्वर्य का भोग करके अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगे। और भगवान के इस वरदान के पश्चात ध्रुव एक तारे में परिवर्तित हो गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।